श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर, फिर एक नज़र डालेंगे नाथ द्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी बुधवार 2 जून 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा में पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार ऐच्छिक हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में जिस दिन कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा से मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस भावना से प्रभु श्री जी की साज सज्जा में आज श्वेत मलमल के वस्त्र की रूपहरी जरी की किनारी के पतले हाशिया से सजी हुई पिछवाई सजाई जाती है। खंड पाठ आदि पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गाजी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। यह पिछोड़ा रूपहरी किनारी से सजा हुआ होता है, परंतु यह किनारी बाहर आंशिक ही दृश्य होती है, अर्थात भीतर की ओर मोड़ दी जाती है। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आवरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं।
दुर्गा के साथ धराई जाने वाली लोम भी मोतियों से निर्मित ही होती है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। इनके साथ श्वेत एवं कमल के पुष्पों की दो माला जी हमेल की भांति धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज तीन कमल की छड़ी के साथ गंगा जमनी अर्थात स्वर्ण एवं रजत के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो मंगला में मेरे कुल कलिमल सब ही नासे, राजभोग में बन बन में बनवारी, आरती में सांझ समय प्यारे लाल आवत, शयन में मिल पिय साकरी गली, मान के पद में आपुन चलिए जू लालन, पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई, कीर्तनों का श्रीजी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्रीजी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सत्वा तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तनिर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि के मनोरथों पर। सामत्सरण गा में बजा में
रस की चहल पहल, रस की चहल पहल विराजत दो उशिरा महल छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो जब प्यारी फल ले, जब प्यारी फल ले धरत धार पर, जब प्यारी फल ले धरत धार पर खिरवे रहत मानी चहल, खिरवे रहत मानी चहल चतुर बिहारी, चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की, चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी भूरी बिजना की तगल, भूली बिजना की तगल विराजत दो उशिरा महल छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो विराजत दो विराजत दो ओ, ओ, ओ। Yeah.
अब एक नजर डालते हैं नाथ द्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। राजस्थान में आज से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
कारण स्पष्ट है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। राजसमंद में कल 22 नए मामले थे तो नाथद्वारा में 2 नए मामले ही थे। अनलॉक की इस प्रक्रिया के तहत बाजारों को प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के तहत प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा में भी बाजार खुलने प्रारंभ हुए हैं, परंतु देखा यह गया है कि काफ़ी कम बाजार खुले हैं। इस दौरान लोगों की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए बस स्टैंड पर श्री जी टूर एंड टैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने लोगों को काढ़ा पिलाया, जिसमें स्थानीय निवासियों सहित आने जाने वाले सभी लोगों को बड़ी संख्या में यह काढ़ा इन्होंने पिलाया है। अभी तक श्री जी मंदिर को खोलने की स्वीकृति नहीं हुई है। कई वैष्णवों ने इसके बारे में जिज्ञासा जताई है, परंतु प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा मंदिर में अंदर जारी है, लेकिन आम लोगों के लिए दर्शन नहीं खुले हैं। यह दृश्य नाथद्वारा बस स्टैंड के थे और यह दूसरा दृश्य भी नाथद्वारा बस स्टैंड पर ही बने हुए आइकॉनिक गेट के पास का है, जहां पर एक कोबरा सांप पाया गया, जिससे कुछ लोग जिज्ञासावश वहां पर एकत्र हो गए और उन्होंने एक स्नेक कैचर को बुलाया। वन्य प्रेमी एवं स्नेक कैचर अर्जुन सिंह ने सावधानी पूर्वक उस सांप को पकड़कर रेस्क्यू किया। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कृपया मास्क पहने, हाथ धोते रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जान लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।